नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। तो खबरों की ओर रुख करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बिहार में फायरमैन के पदों पर निकली बम्पर बहाली, जाने अप्लाई करने से लेकर पूरी डिटेल। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट, होली में घर आने वालों का स्टेशन और एयरपोर्ट पर ही होगा कोरोना टेस्ट। गलत प्रमाण पत्र वाले नियोजित शिक्षकों की सेवा बहाल नहीं होगी, सरकार ने विधानसभा में कर दिया ऐलान। बिहार के सभी पुलिस लाइन में बनेगा हेलीपैड, आपदा की घड़ी में तत्काल मदद पहुंचाना होगा आसान। तेजस्वी ने पूछा, 50 साल में जबरन रिटायरमेंट का नियम नेताओं पर क्यों नहीं, सीएम और मंत्री को भी हटाना चाहिए। किसी को फंसाने की नीयत से शिकायत की तो खुद फंसेंगे, अधिनियम में होगा संशोधन। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, अब जमीन के नक्शे का भी होगा दाखिल खारिज। विधानसभा के बाहर वामदलों का प्रदर्शन, सीएम से इस्तीफे की कर रहे मांग। एक्सीडेंट होने पर रद्द होगा गाड़ी का रजिस्ट्रेशन, बिहार सरकार ने सभी डीटीओ को दिया आदेश, ड्राइवर का लाइसेंस भी होगा कैंसिल। राहुल गांधी को लेकर बिहार विधान परिषद में हंगामा, सफाई देने में लगे रहे आरजेडी कांग्रेस के विधान पार्षद। अब खबरें विस्तार से। सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। केंद्रीय चयन परिषद बिहार ने अग्निशमन सेवा में फायरमैन के 2380 पदों पर बहाली निकाली है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 24 फरवरी 2021 से शुरू हो गई है। इस पोस्ट पर अप्लाई करने को इच्छुक उम्मीदवार www.csbc.bih.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। वहीं आवेदन करने और फीस जमा करने की अंतिम तिथि 25 मार्च 2021 है। इन पदों पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास जरूरी है। साथ ही उम्र सीमा 18 से लेकर 25 वर्ष तक की तय की गई है। कोरोना को लेकर बिहार सरकार एक बार फिर से अलर्ट मोड पर आ गई है। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण में आई अचानक वृद्धि को देखते हुए सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के सभी जिलों में संक्रमित लोगों को पहचान के लिए टेस्टिंग और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का निर्देश दिया गया है। इन सब के बीच आने वाले त्योहार होली को देखते हुए भी स्वास्थ्य विभाग अभी भी चिंतित है। इस बारे में पटना के सिविल सर्जन विभा कुमारी ने बताया है कि होली से पहले बड़ी संख्या से दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोगों को लेकर पूरी तैयारी की जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए डॉक्टरों को सूची तैयार की जा रही है और उन्हें स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट पर तैनात किया जाएगा। डॉक्टरों की टीम को सभी सार्वजनिक जगहों पर तैनात किया जाएगा और उनके साथ मजिस्ट्रेट और पुलिस बल की तैनाती की जाएगी, ताकि बाहर से आ रहे लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग के साथ कोविड टेस्ट किया जाएगा। ऐसा इसीलिए किया जाएगा ताकि बिहार में खत्म हो चुकी कोरोना का संक्रमण की रफ्तार फिर से न बढ़े। बिहार में ऐसे नियोजित शिक्षक जिनके प्रमाण पत्र गलत पाए गए और जिनकी सेवा समाप्त की जा चुकी है, उन्हें किसी भी कीमत पर बहाल नहीं किया जाएगा। दरअसल बिहार विधानसभा में इससे जुड़ा एक सवाल प्रश्नोत्तर काल में आया, जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने यह स्पष्ट कर दिया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि जिन नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्र गलत पाए गए और जांच में सब कुछ स्पष्ट हो गया, उनकी सेवा समाप्त की गई है और किसी भी कीमत पर उनकी सेवा बहाल नहीं की जाएगी। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र की जाँच को लेकर विभाग लगातार काम कर रहा है और इसके लिए अब नियोजित शिक्षकों को वेब पोर्टल पर अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। कई सदस्यों ने आरोप लगाया है कि सरकार पटना में धरने पर बैठे ऐसे नियोजित शिक्षकों से बात नहीं कर रही है जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई है। इसके बाद सरकार ने सदन में बताया कि जिनके प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं और जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, उस मामले में सरकार अब कोई पहल करने नहीं जा रही है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि इस मामले में न्यायालय की तरफ से कोई निर्देश नहीं मिला है, इसलिए विपक्ष के जो सदस्य न्यायालय के हस्तक्षेप की बात कर रहे हैं, उन्हें जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए। अब बिहार के सभी जिला पुलिस लाइन में हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा, जहां 24 घंटा हेलीकॉप्टर उतर सकेंगे। हेलीपैड को नाइट लैंडिंग के मकसद से इस कदर बनाया जाएगा कि वहां दिन हो या रात, किसी भी वक्त इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हेलीपैड के तैयार होने से आपदा की घड़ी में तत्काल मदद पहुंचाना सरकार के लिए आसान होगा। साथ ही पुलिस लाइन में हेलीपैड होने से पुलिस को भी काफी सहूलियत होगी, विपरीत परिस्थितियों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पुलिस लाइन में हेलीपैड होने की वजह से इसके लिए अलग से सुरक्षा इंतजाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी वक्त वहां हेलीकॉप्टर लैंड कराया जा सकता है। जिला पुलिस बल का संचालन पुलिस लाइन से ही होता है और यहां पर्याप्त संख्या में पुलिस रहती है। विधानमंडल में सोमवार को पेश बजट में सभी पुलिस लाइन में हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध कराने के उल्लेख किया गया है। साथ ही उड़यन संस्थान के लिए नया सिसुमीटर तथा दो नया सेसना 172 आरग्लास कॉकपिट विमान खरीदने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है।
बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कर्मचारियों के एक बड़े मामले को सदन में उठाया। तेजस्वी यादव के सदन में सरकार से पूछा कि 50 साल में जबरन रिटायरमेंट का नियम कानून हम राजनेताओं पर लागू क्यों नहीं है। इस नियम के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री, विधायक और यहां तक कि नेता प्रतिपक्ष को भी जबरदस्ती रिटायर कर देना चाहिए। दरअसल बिहार में 50 साल से अधिक उम्र के वैसे कर्मियों को हटाने का ऐलान किया गया है जो काम करने में सक्षम नहीं है। नियम के मुताबिक इन कर्मियों की सत्यनिष्ठा, कार्य दक्षता और आचार की समीक्षा साल में 2 बार होगी। कहीं कोई कमी पाई जाती है तो अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेज दिया जाएगा। 50 साल से ऊपर के सरकारी सेवकों के कार्यकलापों की समीक्षा के लिए समिति का गठन कर दिया गया है। बिहार में 50 साल से अधिक उम्र वाले कर्मियों को रिटायरमेंट की उम्र तक नौकरी करने के लिए खुद को काम के लायक बनाए रखना होगा और इसे हर साल 2 बार साबित भी करना होगा। अगर वे ऐसा करने में सक्षम नहीं रहे तो सरकार उन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर भेज देगी। लोक सेवक या किसी को फंसाने की नीयत से शिकायत की तो यह आपको महंगा पड़ेगा। अब झूठी शिकायत करने पर खुद ही फंस जाएंगे और सजा तक का ऐलान हो सकता है। जी हां, जांच के दौरान यदि शिकायत गलत पाई जाती है तो शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई होगी। वहीं जांच के दौरान यह पता चल जाएगा कि जानबूझकर या दुर्भावना ग्रस्त होकर झूठी शिकायत की गई है तो शिकायतकर्ता को सजा भुगतनी होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। बिहार सरकार अब जल्द ही जमीन के नक्शे का भी दाखिल खारिज करेगी। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग इसकी तैयारी में जुटा है, जिसके बाद अब टेक्सटुअल म्यूटेशन के साथ साथ स्पेशियल म्यूटेशन शुरू करने वाली है। इसकी तैयारी को लेकर 1 मार्च को इसके लिए एक दिन का वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया है। इसके लिए गुजरात, उड़ीसा और तेलंगाना से वरीय पदाधिकारी और तकनीकी कर्मी को बुलाया गया है। इन तीनों राज्यों में स्पेशल म्यूटेशन पहले से ही किया जा रहा है। वर्कशॉप में ये अधिकारी बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को तकनीक सिखाएंगे। इस बारे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार की सेवा को पारदर्शी एवं ऑनलाइन करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भूमि विवादों को कम करने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही इस योजना के लागू होने से जमीन की खरीद बिक्री होने के साथ ही नाम परिवर्तित तो होगा ही, जमीन भी दस्तावेजों में परिवर्तित हो जाएगी और साथ ही साथ जमीन के लेन देन में धोखाधड़ी पर रोक लगेगी। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र में विपक्ष के तेवर गरम दिख रहे हैं। विपक्षी दल के विधायक लगातार अलग अलग मुद्दों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। वाम दलों के विधायकों ने नीतीश सरकार से इस्तीफे की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया है। बिहार में अपराध एवं नीतीश मंत्रिमंडल के 18 से ज्यादा सदस्यों एवं विधायकों पर आपराधिक मामले होने को लेकर वामदल ने नीतीश कुमार से उनके इस्तीफे की मांग की है। वामदल के विधायकों का कहना है कि बिहार सरकार में 18 मंत्री के ऊपर अपराध के गंभीर आरोप लगे हैं। उनके साथ रहते बिहार में सुशासन कैसे कायम रह सकता है। बिहार में आए इन दिनों अपराध हो रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री करते हैं लेकिन अपने सहयोगी पर गंभीर आरोप के बाद भी उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करा के क्या मैसेज दे रहे हैं। इस वक्त परिवहन विभाग से जुड़ी हुई एक ताजा खबर सामने आ रही है। बिहार सरकार ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने यह फैसला किया है कि अगर सड़क पर किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन और साथ ही साथ चालक लाइसेंस दोनों रद्द कर दिया जाएगा। बिहार के परिवहन सचिव ने सख्त कार्रवाई का निर्देश सभी जिले के DTO को दिया है। बुधवार को बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सड़क दुर्घटना में दोषी वाहनों का रजिस्ट्रेशन और चालकों का लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में परिवहन सचिव ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है। राज्य में हाल के दिनों में हुई सड़क दुर्घटनाओं और दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु पर परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बुधवार को सभी जिला परिवहन पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने लोगों से अपील की है कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर लगाएं। इसके साथ ही अपने वाहन को स्पीड लिमिट में ही चलाएं, जान कीमती है, इससे खिलवाड़ न करें। बैठक के दौरान परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कराने के लिए जिलों में विशेष वाहन जांच अभियान चलाए। खासकर हाईवे पर ओवरलोडिंग कर चलाए जा रहे ऑटो और बस को नियंत्रित करने के लिए शक्तिपूर्वक अभियान चलाए। परिवहन सचिव ने हाल के दिनों में विभिन्न जिलों में हुई सड़क दुर्घटनाओं के कारण एवं दुर्घटना के पश्चात
की गई कार्रवाई के बारे में संबंधित जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारी से जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है कि त्रिस्तरीय टीम दुर्घटना स्थल पर जाकर दुर्घटना की जांच कर त्वरित कार्रवाई करे। सड़क दुर्घटना में मृतक के परिजनों को थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का लाभ मिल सके, इस दिशा में भी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु जिलों में प्रचार प्रसार के साथ हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग, फिटनेस, ओवर स्पीडिंग आदि जांच अभियान सघन रूप से चलाए। किसी भी परिस्थिति में बिना फिटनेस सड़क पर वाहनों का परिचालन नहीं होना चाहिए। बीते बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर बिहार विधान परिषद में हंगामा खड़ा हो गया। उत्तर भारतीयों को लेकर राहुल गांधी के कथित बयान पर सदन में निंदा प्रस्ताव पारित करने का मांग की गई। आक्रामक बीजेपी जेडीयू के विधान पार्षदों ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान कांग्रेस और आरजेडी के एमएलसी बैकफुट पर नजर आए। दरअसल सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के एमएलसी संजय प्रकाश मायूक बोलने के लिए उठ खड़े हुए। मायूक ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने त्रिवेंद्रम की सभा में उत्तर भारतीयों को नासमझ कहा है, ये बिहार का भी अपमान है, इसीलिए बिहार विधान परिषद में राहुल गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। तो आज के सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।